अंकल पापा कह रहे हैं अच्छे वाले दिन। ओ तत्ता गेम मैं कह रहा तेरा पापा जानना क्या है। मैं आ गया तो क्या करती है। छपरियां लग रही है छपरियां। मेरा साफ हुआ है मेरा पूरा है सलमान भाई। जो रहे हैं कनु क्या की है। आप भी जाए अपने घर में नंबर बनाए। यहाँ बाहर जो है सबके जायनमाज वगैरह बीच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पड़ी मीठी चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है। कब की मैं उठी थी लेकिन दूसरा व्लॉग एडिट कर रही थी, अपलोड किया उससे। अभी फरदीन जा रहा था बाजार चीज़ें वगैरह लेने के लिए तो वो चीज़ें भूल रहा था तो उसको जो है मैंने यहाँ पे सारा सौदा वगैरह लिख दिया। अचानक से याद है जब हम छोटे होते थे ना, मतलब कि जब बिल्कुल यह चीज़ें याद नहीं रहती तो मम्मा ना इस तरह पेज पे लिख के दिया करनी और कहा करना अंकल को स्टोर वाले में जाके, अंकल मम्मा कह रही हैं ये दे दे, अंकल पापा कह रहे हैं दो कुलचे दे दो अच्छे अच्छे। और फिर नहीं नहीं कोई जब चावल वगैरह या इस तरह कोई चीज आनी होती अंकल पापा कह रहे हैं अच्छे वाले देना। ओ तत्ता गए मैं कह रहा तेरा पापा जानना। इफ्तारी की टेबल पे सबसे पहले आपकी बहन आके बैठ गई है। अभी यहाँ पे इफ्तारी का आधा सामान रखा है, आधा जो है अभी किचन में फ्राइज बन रहे हैं, बैंगन बन रहे हैं, बैंगन वो फ्राई करके दाल चावल आज बनाए हैं मम्मा ने खाने में, तो आज हम इफ्तारी में भी वही खाएंगे। जिस दिन फ्राइज थोड़े बनते इतने प्यारे बनते हैं। अरफा दुख में बैठ रही है। अरफा तुम दुख में हो? रोजा लगा जो सुबह से गया ना उससे पूछते हैं आपका। आज तो अरफा धूप ही नहीं थी, आज हम वही सोच रहे थे कि आज हम कॉलेज नहीं गए तो धूप नहीं हो। कैमरा तो नीचे करो। इतना अच्छा आज कैमरा पकड़ने में भूल गई मैं अपने। आज मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी कि आपको प्यास लगे। बोल बोल के जुबान चलती रहती उससे प्यास लगती है। मेरा बेटा जाओ आप छोटी चेयर लेके आओ, आ गई नहीं एंड थे। चलो आज मेरा बेटा सारे चांद बैठ जाए इफ्तारी करने के लिए। इफ्तारी सब बच्चों ने कर ली और ये सारे बच्चे टाइम से पहले ही अंदर आ गए ना। ये लोग बर्तन उठाते हैं खाने खाने का इनको होता है। ये नमाज पढ़ रही है इधर बैठ के, वो उधर आके वापस लेट गई। अरफा ने मुझे कहना पड़ी मेरा ये सीन डालना है। मिठी अंदर आ गई है। तुमने कहना होता हर टाइम पे। चलो माजरत है अरफा ने नहीं, उसको भी तुमने इसी पर बताना है। तो वो कह रही है क्या मिठी ने मेरे से सवाल पूछा है। मिठी वो तुम्हें बाद में बता दी। ये मिठी का इधर मिनी किचन खुला हुआ है। ये मानी की मानी हाँ हाँ मानी नमाज पढ़ के आये। तो जाहिर है जो मेरे घर में अफराद रहेंगे मेरे साथ मेरी जिंदगी के साथ मुंसलिक होंगे, मैं उन्हीं को दिखाऊंगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे साफ कह दो। वो मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया उनको कि आपको सुनील भाई ने मना कर दिया। और फिर फुटेज लेन दिए बस और कोई काम नहीं है। मैंने भी नमाज पढ़ लिया और आज मिठी सुन लो मिठी, मैं सुबह जब सो के उठी थी ना तो मैंने कहा था कि ना क्या कहते हैं आपने भी देखा होगा नोट होगा मेरी ये चीज कितनी बुरी आती है ना ये। तो आजा मैं वो मास्क बनाने लगी हूँ फिर दोनों लगाते हैं ठीक है वो बनाती हूँ मैंने। हाँ चल ठीक है मैंने आपको हाँ ना आने से पहले 15 मिनट पहले यहाँ लगा फिर एक दफा नहाने चल जाना। तो हमारे साथ केराटिन का तो अभी तेरे साल में नहीं आ रही। आ रही है आ रही है दिखा ये देखिए ये ड्राइनेस और ये खुश्की देख रहे हैं आप। ये सारी ये मैंने और मिठी ने जब केराटिन करवाई 3 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन अभी भी जो है ना मैं नहाई मैंने एक मिनट दिखाती खोल के दिखाती ये देखो मैं नहाई मैंने वो बाल ड्राई किए अच्छे बाल हो गए, लेकिन ये इसी तरह से सेम लुक आती थी मेरी केराटिन से पहले भी बालों की। और अब हम दोनों के बालों में इधर इतना खुश्की 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 बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फोरे जो होते हैं वो अब आने लग गए हैं। शायद उनका शायद उनका प्रोडक्ट भी अच्छा था जो भी था पता नहीं क्या सीन था। खैर मैं बताने जा रही हूँ वो कॉफ़ी वाला क्या कहते हैं मास्क मैंने पहले भी व्लॉग में आया था उसमें दिखाया तुम भी लगाओगी अरफा मास्क, ये डार्क सर्कल सारे रिमूव हो जाते हैं ये वाले मैं बनाती हूँ फिर लगाते हैं सारे। अब्दुल्ला मैं वही कॉफी वाला मास्क याद है ये वाला जो मैंने बनाया था याद है दिला तुमने मुझे कहा था पड़ी मुझे बना ली तेरा बड़ा फर्क पड़ा था डार्क सर्कल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। मेरी पड़ी मेनू कोई ऐसी गल नहीं यार याद करो मैंने एक दफा बनाया था तुमने मुझे कहा था पड़ी मुझे बना के देना ज्यादा बनाई पड़ी हाँ ज्यादा बनाई इस दफा जब भी बनाएगी तो वो मैं बनाने लगी तुमने लगाना है अरफा मिठी मैं मानी लगा रही हूँ तुमने लगाना है। मैंने भी चलो ओके आज हम टोटका डे रखते हैं तो है, हम इसमें सब कुछ डालना शुरू करते हैं। जैसे मेरे लगने में कैमरा किधर करो क्योंकि आपको नजर आए 1 टेबल स्पून
ये हम सारा ही ऐड इसमें कर लेंगे। इसके लिए हमें न्यू चम्मच लानी पड़ेगी, पूरा हो जाए इसे। सारे डालते, बाकी थोड़ा सा पापा के रहने देते हैं, पापा को रोज शहद पीते हैं। टेबल स्पून है तो इसलिए हम इसमें ही पानी डालेंगे पूरा, ऐसे जैसे रायता कोई बन गया हो। चलो कोई नहीं, इसकी हम डबल डबल लेयर लगा लेंगे सारे। इन्हें जो है अपने सर पे तेल लगाया है क्योंकि मेरे बाल और तो मैं भी कोझे लग रही होंगी, लेकिन यदि मैं नहा के आऊंगी तो आप सारे मेरा वो ग्लो दे। ये कोझे लगने कुछ भी नहीं होता, वो सब जो देख रहे होते हैं ना हमें, वो भी अपने घर में ऐसे ही होते हैं तो। लेकिन वैसे भी वो लोग भी अपने घर में ऐसे ही बैठे थे, कोई भी अपने घर में 24/7 तैयार होकर नहीं बैठा था। लगे अपने आई बैग्स के लिए, आई बैग्स के इधर डार्क सर्कल्स कई था पागल ने, तेरे आई बैग ने आई बैग होने लगे बड़े बड़े डार्क सर्कल अंदर काला काला होना, वो मैंने ने थोड़े थोड़े। हाँ तुम्हें डार्क सर्कल है, मुझे आई बैग है, दोनों ने क्या चल रहा है। चलने के हम अंदर चलते हैं, सबके रिएक्शंस देखते हैं। शक्ल काम क्यों करती है जो मुंह काला करवाना पड़े। अच्छा अब्दुल्ला, अरफा हमारी शक्लें बताओ, क्या कमेंट है हमारे बारे में? ऊंची बोलो थोड़ा, छपरियां लग रही है, छपरियां। अल्लाह माफ करे, अस्तक चल रही है। अरफा तुम चुप कर जा, तुमने अभी ऐसे बनना है। छपरी छपरी ना बोले, छपरी है छपरी की जो दुनिया में परिवर्ती है। चलो कोई बात, मिट्टी छपरी की फैन ही दुनिया हो रही है। हाँ, दस मिनट अपने ये स्किन इसको ड्राई कर दो, मेरा तो मुझे लग रहा है ड्राई हो गया, क्रैक हो रहा है। लेकिन नहीं तो हाँ, अभी भी शो हो रहा है कि गीला गीला है, हो रहा है तुम्हारे मेरा भी वो, फिर वैसे मेरे ख्याल से हो रहा है। बस 10 मिनट हम इसको रखते हैं, फिर हम इसको धोते हैं और फिर मैं आपको इसका जो रिजल्ट है हाँ वो दिखाती हूँ। मैं जो हूँ अभी अपना जाके जो है मुँह धो के आई हूँ, और मिट्टी ने भी धो लिया, और मिट्टी देखो मेरा फर्क आया। हाँ, समझे। पता है मैं चाहे ना लग रहा हूँ, लेकिन मैंने ना जब मुँह मेरे ना आँख में ना शैम्पू चला गया बड़ा गंदा, मुझे मजबूरी मुँह धोना पड़ा, मैंने शिक शिक किया, मेरा मुँह साफ हो गया। देखो मेरी तुम्हें नहीं नजर आ रहा फर्क, साफ मेरा साफ हुआ है, मेरा भी साफ हुआ है। अब आप लोग भी करें, हमारा जो था लिक्विड ज्यादा मतलब के वो हो गया था, क्या कहते हैं हमारा ज्यादा लिक्विड बन गया था गाढ़ा, लेकिन हाँ गाढ़ा आपने उसे थिक रखना है, गाढ़ा करना है ठीक है। और बाकी आप सभी कर, मैं कह रही 3 दिन करके देखें, मैंने करना है कंटिन्यूसली क्योंकि काफी ज्यादा वो लगाव है ना। आप सब भी करो, मैं भी करती हूँ। नहीं यही वाला पड़ा, ये पड़ा पड़ा भी ठीक हो जाएगा। नहीं पागल है ये, फ्रेश बनाते हैं पागल है। हाँ सहरी का टाइम हो चुका है, मैं अपनी स्टडी कर रही थी और फिर आ गए थे सलमान भाई। मैंने कहा मैं सहरी बनाती हूँ अच्छे से, लेकिन सलमान भाई आ गए मदद, और अब हम आज सलमान भाई के बने हुए अंडे खाएंगे। और सलमान भाई को कुकिंग करना इतना पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, ज़्यादा कि जब भी आते हैं सलमान भाई कुछ ना कुछ हमारे घर में बनाते हैं। अभी यहाँ हम है सलमान भाई जो रहे हैं कनूत क्या की है, जिंदगी हराम करते हैं, चीजें हराम करते हैं। किसी ने कनूत से पूछे, कनूत की आंखों में भी आंसू है। अभी यहाँ पे वेजिटेबल्स कटिंग हो रही है। गाइस सब अपने अपने नंबर बना रहे हैं, पड़ी बर्तन धो के नंबर बना रही है, मैं दाल गर्म करके नंबर बना रही हूँ, मम्मा रोटियां बना के पापा सामने नंबर बना रही है, और सलमान भाई अपने अंडे बना के नंबर, कनू धनिया काट के नंबर बना रही है, सब नंबर बनाने में लगे हुए हैं। आप भी चाहे अपने घर में नंबर बनाए। मम्मा मैं दाल गर्म कर रही हूँ, बराबर दाल गर्म करना, चमचा लगा रही हूँ उसमें, बहुत मुश्किल काम है। आपको गाइस पता है मैं 3-4 दिन से तबीयत खराब थी, इसलिए मैं किचन में नहीं आ रही थी, लेकिन सबको पता नहीं क्या लग रहा था कि मैं क्यों नहीं आ रही, लेकिन आज से मैं वापस आ गई हूँ, आई एम बैक ब्लॉग्स में भी और किचन में। आप लोग मेरी दाल चेक करेंगे, ये मम्मा इतना पेंट हुआ ना लेके आई है, हमने कहा मम्मा कोई आपको वुड कलर कोई ब्लैक है कुछ नहीं मिला, मम्मा कहते नहीं ऐसी कोई प्यास नहीं। हाँ वो वाला ये यहाँ रख ले, मेहमानों के लिए वुड वाला रखा हुआ है। सलमान भाई ने जो बनाए हैं इतने लजीज क्या कहते हैं अंडे, वो हो गए कि कम कर करके थक गई बची बची थक गई नहीं बची थोड़ी ब्रेक ले ले पापा लिख साले होते ना कुछ लोग ऐसे काम नहीं करते। हमारे घर जो है माशाल्लाह घर में दही बनता है, अब काफी देर हो गई, अब हम बाहर से नहीं दही लेके आते, ये मम्मा घर में दही लगाते हैं माशाल्लाह, इतना मजे का मलाई चेक करे ऊपर, बहुत ज्यादा टेस्टी दही बनता है। जिसने धार्मिक कमाई वो खुद से ऊपर ही कर सकता है, जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फलस्तीन पर हमला करता है, ऐसे ही 9 मई का वाकया
कहा कि कारगिल के अड्याला से मुलाकात नहीं करने दी गई और मुझे साथी वर्तमान इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। हम इस मामले को कॉमिक समझ के प्रोटोकॉल करके और हुकूमत रोटी खाने से ज्यादा खाती है। नहीं और बल्कि खाने खाने में नहीं और बल्कि खाने खाने में ये बात आखिरी टाइम रह गया और ये सारे आखिरी टाइम रह मिठी जी मुझे देना और है पता नहीं अभी ये लोग वॉशरूम जाएंगे पानी सारा निकल जाता है ऐसे पी रहे होते हैं ये लोग सारे सही को अल्लाह सारे बच्चे पागल हो गए पागल हो गए दो मैंने भी दिया नहीं नहीं पागल हो गए सारे कुकू बजने की अभी आवाज आ जाएगी सबको यार प्लीज कोई मेरे बहन भाइयों का मेरे घर वालों का इलाज बता दो इस चीज का अब तुम लोगों के पेट पूरे बाहर निकल तुम लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया चलो जी सहरी का टाइम हो गया अब हम पढ़ने लगे हैं जमात फजर की भी और मैं यहीं पे करती हूँ नहीं छोटा व्लॉग अभी यहाँ पे एंड नहीं करना चलो थोड़ा बहुत और दिखा देते हैं अब सारे बच्चे जल्दी जल्दी से वजू करते हैं दो दो सूटे पढ़ लो ना फिर फर्ज पढ़ते हैं जमात होती है फिर हमारी यहाँ वाहिर जो है सबके जायनमाज वगैरह बीच चुके हैं और सब यहाँ पे इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे आज जो है जमात पापा नहीं करवाएंगे आज सिद्दीकी जमात करेगा क्योंकि कहते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तिलावत वगैरह होती है इस वजह से आज वही जमात करवाएंगे सबने यहाँ सुनते वगैरह पढ़ लिया पापा का वेट कर रहे हैं हम बच्चे के सोने लगे थे मैं लेटी भी अरे एकदम बाहर बादल गरजने गरज 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 पर मुझे इतना मैंने कहा मीठी उठा अब हम बाहर चले यार माशाल्लाह बारिश हो रही है हल्की हल्की बारिश वाह यार कितना प्यारा मौसम हुआ है वाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश ये इस तरह का खूबसूरत मौसम ना ऐसी इस तरह है अच्छा मीठी इस तरह का खूबसूरत मौसम मेरे और मीठी के लिए ना एक थेरेपी नहीं जो मुझे तो बारिश बहुत पसंद है बहुत ज्यादा मैंने अपने टाइम में वीडियो बना रहा है सो ओके यार यहीं पे मैं करती हूँ व्लॉग का एंड आई होप आपको मेरा ये छोटे मोटे व्लॉग जो है बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे व्लॉग और आपको पता है हम लोग समझते हैं कि डेली व्लॉग है इजी है डेली व्लॉग सबसे मुश्किल होता है आपको चीजें बार बार कैप्चर करनी पड़ती हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ये मैं कहना भूल जाती हूँ ठीक है जल्दी ज्यादा से ज्यादा और अब से मीठी वापस आ गई है चैनल में अब से मीठी बैक है ओके और हमें दुआ में याद रखेगा फिर मिलेंगे हम एक न्यू व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़